क्या आपने कभी सोचा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग के दौरान अगर ये अरेस्टर वायर्स टूट जाएं तो क्या होगा? क्या प्लेन रुक पाएगा या फिर उसका काम लग जाएगा? आइए देखते हैं, पर उससे पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। गाइस, उतरते समय पायलट थ्रॉटल को फुल पावर से आगे बढ़ाता है और अगर टेल हुक केबल में फंस गया तो विमान ऑटोमेटिकली इंजन थ्रस्ट को 70% तक कम कर देता है, जिससे स्पीड स्लो हो जाती है। लेकिन अगर एयरक्राफ्ट केबल को पकड़ने में सफल नहीं रहता है तो ऐसी कंडीशन में विमान फुल पावर पर होने का फायदा उठाता है और दोबारा उड़ान भरकर लैंडिंग ट्राई करता है, मगर हमेशा ये काम नहीं करता। जी हां गाइस, जैसे ही F-18 हॉर्नेट ने चौथे वायर पर लैंड किया और केबल ब्रेकिंग पॉइंट तक खींचकर टूट गई, जिससे न सिर्फ एयरक्राफ्ट पानी में गया बल्कि डेक पर खड़े सात लोग टूटी हुई केबल से चोट भी खा गए। हालांकि अरेस्टिंग केबल्स का टूटना काफी रेयर है और इससे बचाव के लिए मॉडर्न कैरियर्स में आमतौर पर 3 या 4 अरेस्टर वायर्स होते हैं। वहीं पायलट जोखिम को कम करने के लिए दूसरे या तीसरे तार पर लैंडिंग का प्रयास करता है, जिससे केबल टूटने की स्थिति में भी प्लेन को रोका जा सके।